हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं सानिया गुजर व्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस आज सुबह सुबह फिर व्लॉग स्टार्ट कर दिया। स्कूल की तैयारी हो रही है, मैं बना रही हूँ लंच। सब्जी के लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया। व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैं कि फिर आवाज़ नहीं आएगी कुछ, तो मेरा गला ख़राब हो रखा आवाज और कुछ चल जाएगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने आलू मटर की सब्ज़ी में छौंक लगा दिया और इधर आटा लगा लिया। वहाँ भी फैली पड़ी सारी किचन। तो गाइस सब्जी यहाँ बन चुकी है, लंच भी तैयार हो गया, बस पैक करना रह गया। ले भाई लंच ले। लंच भी पैक हो चुका है और वैन भी आ चुकी है। और चलो भाई बच्चा ये वाला ले ले, फिर गए वो लाल मुँह रहे थे। क्या खा रहा तू? दवाई और पी ले भाई। वहाँ पहले कोट है, ठंड हो रही है बेटा आज, ठंड हो रही है, खोल ले आने जल्दी। तो गाइस बच्चे चले गए स्कूल, हमने बना लो चाय। और पहले मैंने वीडियो बनाई ना क्योंकि मेरा ध्यान ही ना रही, बच्चे जब चले गए जब याद आई मैंने व्लॉग तो बनाया ही ना। मैं अब बना लेती हूँ चाय। सब्जी इधर बन चुकी थी, पहले दिखाई पता नहीं ना दिखाई, ध्यान ही ना। और अब बना लूँ चाय, चाय बना के ध्यान ही नहीं है। अब मैं बना लूँ चाय, चाय बना के फिर मिलते हैं। और तबीयत थोड़ी डाउन आज, व्लॉग बस ऐसे ही आए हुए, आज डॉक्टर के जाऊँगी पक्का। तो गाइस मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइस चाय मेरी बन चुकी है, मैं लेके आ गई हूँ घर के। हमारे साहब जी उठे नहीं है। साहब जी गुड मॉर्निंग, खड़े हो जाओ। और गाइस मेरी तबीयत थोड़ी है खराब और आ जाएंगे हम डॉक्टर के। वो कई दिन हो गए घर घर करते पर आज तो ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। तो गाइस मैं जा रही हूँ डॉक्टर के और ये चले गए। खाना वाना सब बना दिया मैंने इनके लिए, ये खा के चले गए बाहर। बोल के मेरी जैकेट लेके आ दिया, जैकेट ले लो। ले आए गाड़ी अभी। कबड्डी खेलने लाई गई फिर तमने। आवाज तो निकल भी ना रही। कबड्डी खिला लो तमो। आज पहली बार ऐसा हो रहा, आवाज नहीं आ रही। इसके लिए क्या होना चाहिए? जीव रेस्ट में होना चाहिए।
गाइस हम जा रहे हैं डॉक्टर के गांव में, कर ले ली इन्होंने गाड़ी बाहर कर ले लेते यहाँ और दिखाऊंगी यहाँ और कर रखी है कहीं। गाइस हमारी चौपाट हाँ तो गाइस कहाँ जा रहे हो आप? मैं कॉलेज जा रही थी, चलना है आपको? नहीं चलो मैं आ गई अड्डे तक, इंडिया गेट दिखा देता हूँ दोबारा दिन में। अब यहाँ तो ठीक कर लूँ, अभी बुखार पड़े और दवाई लेकर आई हूँ। आवाज़ देख रही कैसी निकल रही? यहाँ तक ऐसी रहता तो दवाई ले ये स्टोर पे ताती फिर ले पैसा ले जा पर और कोई अच्छी सी क्रीम दे दो नहीं कल बाम तो कोई आराम ना पड़ रहा अभी ले लूँ जाते वक्त डॉक्टर ने गई आने भी ना दे यूँ कह रही इन तई हो जाएगा मैं कुछ दवाई दे आराम होगा कुछ आते हैं ये ठीक हो जाएगा देखिए घना ही बुरा लग रहा हुआ आज तो ऐसे ऐसे होगा सारा छिलो छिलो सा मेरे को ले लेना कोई दिक्कत नहीं ये हमारी दीदी मानची दीदी पहले नहीं था लोग बना रहे हो क्या कूड़ांची ऊपर ऐसा है एक ही बार खराब हो गया तो बहुत बड़ा लगता है दिल से लाइक करती हूं आपको इसलिए मंदिर जगह से करवाओ अब रसोई कोई ढंग नहीं ले दिलवाई किसी भी हो एक नहीं तो अड्डे जो थोड़ा एंटरटेन कर दे वो तो मुझे पता है। तो गाइस आज निशा के नेल्स आर्ट हो रहे हैं, एक में तो हो चुके हैं एक हो रहा है, इनके घर में कौन मर चल रहा है सारा ये भी तो सारा आज ही हो गया नहीं कहेगा वो नहीं का लगा सही है तेरे पैरों में नाखून तो हैं अरे मेरे अंदर तो सही है मेरे देखोगे ना गाइस हाथ के तो करा लिए अब हो गए अभी ना तो सही कर रख सके आराम से क्योंकि अच्छी पग ऐसा हो रही है जैसे तो भाई अभी भी अभी तो देखिए शाम तक के क्या दिक्कत होएगी मैं तो इसी के चक्कर में दांतन में इतनी मिसमिसी सी हो गई जब काम करे ना ऐसे लगे तेरे ने देख देख के फिर हो रही है मेरे काम करना है यही तो तेरे को क्या काम करना है पूजा को जाएगी अब कुछ काम ना करेगी पूजा दीदी के लिए परेशानी होगी खड़ी दो दिन पहले कराती कुछ दिन तो थोड़ी हेल्प होती है की अब ऐसा ना आराम तो हो जाएंगी कल कदी के बीच में परसों लगा ना फिर बोल रहे कल देखी नौकरी भाई लगा तो कैमरा वाला वो जैसे नॉन जो बॉन बैठे वो नौकरी बैठ जाएगा पर कैमरा जो मेन फंक्शन है कल देखो रस्क होएगा फिर खाना
तो गाइस निशा के फाइनली हो गए सारे नेल पेंट वगैरह। अब खुश हो कोई कमी है तो बता दे अभी बता वाले हाँ। आपको अच्छे लगे कैसे लगे अच्छे लगे दिखा दे एक बार अच्छे से हाथों के पैरों के दोनों के कराए मानसी ने किए नेल्स बाय मानसी ने आंची कोई कसर है तो बता दे अभी बता कोई कमी हो तो बता दे अभी नहीं दिल खुश हो गया ना बस मन में ही वो मत रखे क्योंकि हाँ में ही वो चीज रहेगी क्यों रोएगी क्यों चलो हम भी चलते हैं। तो गाइस बच्चे आ गए मेरे गधे और माँ जी भी आई है इधर माँ जी और देखो आते ही कपड़े कैसे फैला दिए स्कूल के कपड़े इनके और रात आया था हमारे घर इन्वर्टर क्योंकि हमारे इन्वर्टर की बैटरी जाएगी दूसरे वाला इन्वर्टर है ना जो घर वाला वो जाएगा ऑफिस पे घर के लिए नया आ गया। और गई इधर देख रहे टीवी सुबह से पड़ी हूँ बीमार फेस तो आपने देख ही लिया होगा कैसा हो रहा और घर की हालत भी ऐसी हुई पड़ी है। इसका सिग्नल हो चुका है कि मम्मा बस बंद करो अब मैं टीवी देखूंगा। तो गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और इधर चल रहा मेरा व्लॉग। हाँ जी इधर चल रहा मेरा व्लॉग। और हाँ जी आप बोल रहे थे कि मैं ले आऊंगा लिपस्टिक ले आए तो भैया होटल सही कर ले अभी जब लाऊंगा तो शादी में फिर मैं क्या लगाऊंगी हिडिंबा की तरह तो रोल कर रहा है। अच्छा ठीक तो कर ले देखिए नीचे देखो